शैम्पू कौन सा करती दीदी? मुश्किल से मिला है। Hi guys, myself Nido. This is my another vlog. So guys, आज हम लोग जा रहे हैं मैसूर because हम लोग को बहुत दिनों के बाद realize हो गया कि हम लोग के बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं आदिवासी हेयर ऑयल लेने एंड आप लोग के लिए भी वीडियो बनाएंगे और देखते हैं कैसा रहता है। एंड अभी हम लोग बैंगलोर से निकल गए हैं, 10:30 बज गया है। हम लोग को पहुँचते बैंगलोर से 80 किलोमीटर है, तो टाइम लग जाएगा थोड़ा। उसके बाद हम लोग वहाँ जाएंगे। हम लोग सोचा ऑनलाइन मंगा लें, बट हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जब बैंगलोर में रहते हैं लोग इतने दूर दूर से आ रहे हैं लेने के लिए, तो हम लोग पास हैं तो जाना चाहिए, है ना इमरान? अभी बीच में तो फिर ज्यादा ही पॉपुलैरिटी गेन कर रहा था वो हेयर ऑयल। गाइस अभी लग रही है भूख, तो अभी हम लोग रुके हैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। मेन्यू है मिरान। हाय, क्या खाना आपको? पिंक। पिंक क्या? पिंक आइस। स्ट्रॉबेरी। जहाँ इमरान वहाँ मेरान, नाम जैसे लोगों के नाम कॉमन है, दोनों पापा बेटे के, है ना इमरान? वैसे ही देन गाइस इमरान ने थोड़ा हेयर कलर कराया अपना, अच्छा लग रहा है, बट अभी वो चेंज भी कराएंगे क्योंकि उनको थोड़ा ज़्यादा लग रहा। चेंज करा दी? नहीं, हमें तो अच्छा ही लग रहा, थोड़ा धूप में ज़्यादा शाइनिंग मार रहा है। बट इमरान हेयर है तो एक्सपेरिमेंट जब तक सो इसीलिए हम लोग आए आदिवासी ऑयल लेने, जिससे हम लोग एक्सपेरिमेंट बहुत सालों तक और कर सके, है ना इमरान? म्यान का है, म्यान का है, बोलो म्यान का है, म्यान का, म्यान का। सो गाइस हम लोग लंच कर रहे हैं, कैसा है? गार्लिक नान बहुत अच्छा। इमरान कैसा था खाना? हमेशा की तरह। अगर आप लोग हम लोग गाइस अगर आप लोग इस साइड आए मैसूर के आगे, तो प्लीज़ आप लोग यहाँ तंदूरी बाइट करके, गाइस ये है तंदूरी बाइट रेस्टोरेंट। मेरान देखिए फर्स्ट टाइम मेरान ऐसे पीछे बैठे हैं अकेले और आराम कर रहे हैं बड़ी के लिए, माशाल्लाह। कैसा था मेरान? ने क्या खाया? मेरान की चिकन कटलेट।
सो फ्रेंड्स अभी अच्छा अच्छा खाना खा लिया, हम लोग निकल गए हैं तेल लेने के लिए, देन देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, है ना इमरान? एक्साइटेड तो बहुत ज़्यादा है हम लोग। चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी, सो ब्यूटीफुल, है ना इमरान? सो अभी लोकेशन भेजेंगे, देखते हैं कैसा क्या होता है। आर यू एक्साइटेड? फ्रेंड्स यहाँ पे मौसम एकदम से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, तो हम लोगों ने भैया को मैसेज किया कि आप हमें जहाँ पर ऑयल आप लोग बनाते हैं वहाँ का एड्रेस दिए, हम लोग वहाँ आएंगे, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉप्स थी, बहुत ज़्यादा हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था, तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके ही घर से आए थे कि कहाँ पर जाना है, देन अभी हम लोग वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। एंड गाइज वो लोग जहाँ पर ऑयल बनाते हैं वो जो गांव है वहाँ से 18-20 किलोमीटर और ज़्यादा आगे है, तो अभी हम लोग फाइनली वहाँ पे पहुँच गए। एंड बारिश देखिए कितनी ज़्यादा हो रही है। मुश्किल से मिला है जाता है गाइस, देखिए आप लोग पूरा, एंड कितने अच्छे से उन लोग काम कर रही हैं और काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो रहा है। संडे है तो कुरियर गाय नहीं आया है, इसीलिए इतना स्टॉक हो गया है, कल कुरियर वाला आएगा पूरा लेके जाएगा। पर डे 1500 कुरियर पर डे। अच्छे रिव्यू आ रहे हैं लोगों के। हाँ ये भैया लोग के बाल देखिए, भैया आपने बड़ा क्यों नहीं किया? दो महीना का है, मेरे से ज्यादा ही है ना, मेरे का ठीक है, ये भी 2 महीने का है। अच्छा भैया जब पहले नहीं होता तो आप लोग को बड़ी प्रॉब्लम होती होगी ना, जब पता नहीं होगा। अभी अभी चलो अच्छा, आप लोग का बिजनेस अच्छा हो गया ना। बट ये कैसे शुरू कैसे होगा, किसने फाइंड किया? बाल भरा के कट बच गया, कट बनाने के बेचने के था। अभी तो कुछ भी नहीं, फायदा नहीं है ना। अभी एक 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 दो दो साल तीन साल से हम ऐसे बिजनेस कर रहे हैं। नहीं भैया पता आपको, जड़ी बूटी तो वो आप लोग अगल बगल गांव में उन लोगों को भी पता है। उन लोग पता है, लेकिन हमें इधर से तीन गांव रहते हैं, तीनों गांव को पता है, तीनों गांव को पता है। और भैया हम लोग वहाँ हुनसूर से ही आए ना, स्टार्टिंग से ही दुकानें लगी हुई है वो सब। मैडम एक ही रोड पे तीन गाँव आते हैं, उधर से हुनसूर पे मैसूर से आएगा तो एक पर एक सेकंड पर फर्स्ट पक्ष बोलते हैं, सेकंड पक्ष सेकंड पक्ष इधर से आएगा तो फर्स्ट टाइगर ब्लॉक करके। एक भैया एक बात बताइए, अगर किसी कस्टमर को चेक करना है कि ऑयल ओरिजिनल है तो मैं कैसे चेक करूं? वो छोटा अभी ये लोग तो यहाँ बना रहे हैं, ऐसा वाला बनावट नहीं होता है, ये ऐसा रियल कलर सरसों के तेल जैसा है ना, सरसों के तेल का भी नहीं बोल सकते, गोल्डन टाइप है। हाँ हाँ नारियल का तेल मिलावट होता है उसमें, नारियल का तेल। का 1500 है,
गाइस इसमें थोड़ी ऐश टाइप की स्मेल आएगी आपको, अगर आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया तो एक बार चेक करिएगा। इसमें जैसे जो बर्न वुड होता है ना, जली हुई लकड़ी वाला, उस टाइप की हल्की सी स्मेल है। कितने लोग तो नवरत्न क्योंकि क्योंकि तेल को 8 घंटे में पकाता है ना। सो गाइस यहाँ पे बहुत सारे भैया लोग रहते हैं, बट अभी इतनी तेज बारिश हो रही थी कि वो लोग आ नहीं पा रहे हैं। ईश डन, देखिए गाइस हम लोग का बार बार आ रहे हैं कॉल्स। तो इसलिए ऑर्डर आता है, ऑर्डर आता है, प्राइस ज़्यादा है तो नहीं कर पाते। ज़्यादा रहेगा तो आपको पैसे ज़्यादा हो जाए, जा सकता है कितना? 20,000 देके दुबई लंडन वहाँ से भी ऑर्डर। मैंने 3 बार लगा दिए, हफ्ते में 3 बार लगाए। शैम्पू कौन सा करती थी? वहाँ 6 महीने वहाँ जाओ हाँ ये मैडम का ना 5 साल का बाल है, 5 साल का है। तुम लेंथ देखो ना, लेंथ कितनी ज्यादा है, वो पैर तक है। सो गाइस हम लोग को स्पेशली जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था, हम लोग को वहाँ जाना था, तो हम लोग वहाँ पहुँच गए, जो कि शहर से जहाँ पर इनका मतलब दुख शॉप है वहाँ से 20 किलोमीटर अंदर था। देन इन लोग के हेयर देखिए गाइस, और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे बिकॉज हम लोग फाइनली हेयर ऑयल हम लोग को मिल गया, और जो कि ओरिजिनल है, एंड इसका रिव्यू मैं आप लोग को घर जाकर दूँगी। फ्रेंड्स बारिश इतना ज़्यादा तेज़ हो रहा था कि हम लोग शॉप नहीं जा पाए। सो यहाँ पर जो कुछ भी था मैं आपको दिखा रही हूँ, अनियन, आंवला, रोज, सो फ्रेंड्स जैसे ही हम लोग यहाँ पहुँच गए थे तभी हम लोग ने इन लोगों को कॉल किया था, कुछ भी यहाँ फेक नहीं था, सब वो लोग पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे थे। देन यहाँ पर काफ़ी जड़ी बूटियाँ भी रखी हुई थी जो वो लोग ऑयल में डाल रहे थे, एंड पैकेजिंग चल रही थी, काफ़ी ढेर सारी जड़ी बूटियाँ रखी हुई थी। एंड गाइस हम लोग को यहाँ पर कुछ भी फेक नहीं लगा, वो लोग आराम से अपना ऑयल बना रहे थे, एंड काफ़ी ऑर्डर्स भी आ रहे थे उनके पास, एक दिन के 1000 से प्लस ऑर्डर आ रहे थे। देन देखिए जो ऑयल है ये थोड़ा सा पक गया है, और अभी इन लोग इसको अच्छे से, जो ऑयल है गाइस उसके अंदर आपको ना छोटे छोटे ऐसे ये इस टाइप से मिलेगा जो आपको पैकेजिंग में आएगा, बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं आएगा बिकॉज इन लोगों कोई मशीन नहीं है, ये लोग खुद से बनाते हैं एंड ऐसे करके डाल के निकालते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्योर है। हम लोग सीधा आए हैं यहाँ पर जहाँ पे ऑयल बनता है, लोग बनाते हैं, और पूरा यहीं से बिकॉज बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अभी देखिए वो भैया आ पाते कि नहीं आ पाते, बट ये दीदी लोग के भी बाल काफ़ी बड़े बड़े हैं, तीन लोग बराबर कॉल कर रहे हैं, बराबर कॉल आते हैं ये इन्होंने यहाँ पर, जब इनका अच्छे से वो होने लगा तो गाइज इन लोगों ने अच्छा सा अपना ये बनाया है, बता रहे हैं भैया लोग। आपको मैंने तेल तो दिखाया ही है, भैया लोग ये सारा सामान रखे हुए हैं, तेल बना रहे हैं, बराबर इतना बन गया है ऑलरेडी, ये सारे भरे हुए रखे हैं। कुछ अभी थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है जो पकने में डालते हैं ये लोग। देन ये इसकी बॉटल्स हैं, ये कैप है गाइज। यहाँ का बस व्यू देखिए कितना ज्यादा खूबसूरत है। इमरान हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग यहीं रह जाएं, क्यों गाइज आज देखिए कितना अच्छा मौसम है, वाओ मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा। इमरान
एक तरह से बहुत अच्छी आउटिंग हो गई, यूजफुल आउटिंग। एंड हम लोग शॉप में नहीं जा पाए बिकॉज बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था और हम लोग को काफ़ी दूर जाना था इसीलिए, क्योंकि यहाँ पर स्टे करने के लिए कोई भी होटल भी नहीं था, उसके लिए भी हम लोग को 100 किलोमीटर आगे जाना पड़ता। देन गाइज यहाँ पर देखिए पूरा जंगल ही जंगल है, यहीं से वो लोग जड़ी बूटियाँ कलेक्ट करते हैं और तेल बनाते हैं। मैंने तो तेल ले लिया है, शॉप मिला फाइनली, बिकॉज हम लोग यहाँ पर कम से कम 4 से 5 घंटे से, हम लोग कितने ऑलमोस्ट 3:30 आ गए थे, अभी 6:30 हो गया, तब से हम लोग शॉप ही ढूंढ रहे हैं छोटे से गांव में, बिकॉज इतना ज्यादा स्कैम चल रहा है, सारे के सारे लोग बना रहे हैं, बट हम ट्रस्ट नहीं कर सकते कौन कैसा क्या है क्या नहीं है। बट अभी ये जो टाइम भी जरूर आएंगे, अगर आप लोग इन लोग को प्यार दिए, काफी बेचारे बहुत ज्यादा सीधे बहुत ज्यादा अच्छे लोग हैं, मतलब हाँ बहुत अच्छे जेन्युइन लोग हैं। सो अभी सीरियसली गाइस उनका इतना ज्यादा जाने के लिए पता, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, दुबई, हर जगह से लोग पता, एक्स्ट्रा उन्हें बहुत ज्यादा पैसे, 20,000 डिलीवरी चार्जेस, डिलीवरी चार्ज दे रहे हैं कि 20,000 दे रहे हैं आप, मतलब मुझे भेज दो, हाँ कुरियर कर दो। तो वो लोग बेचारे पूरा दिन उनका इसी में ही चला जाता, बट अच्छी बात है बिजनेस चल रहा है, उससे अच्छी बात क्या है। देन वो लोग ने भी बहुत बुरा टाइम देखा एक टाइम पे, जब उनके पास कुछ भी नहीं था और सिर्फ ये लोग अपने ही सर पे लगाते थे। हाँ, इनिशियली गाइस मैंने बात की यहाँ पे लोगों से, तो इन लोगों का पहले रोजगार चलता था हंटिंग से, जो जंगल इलाका यहाँ पे हंटिंग करते थे उससे कुछ इन लोग कमा लेते थे, बट अभी तो हंटिंग पे रोक लगा दी गई है, इलीगल हो गया है, पोचिंग भी इलीगल है, तो इन लोगों के पास में कुछ था नहीं दूसरा जरिया। फॉर्चुनेटली एक तरह से वरदान है इन लोगों को इस बात का, इन लोगों के पास में वो सीक्रेट रेसिपी है। एंड मैंने पर्सनली वहाँ पे जाके देखा गाइस, इतने ऑर्डर प्लेस हो रहे थे, 1,500 ऑर्डर्स पर डे। आज संडे था तो कुरियर वाला आया नहीं इन लोगों के पास में, तो पूरा पाइल्स लगा हुआ था ऑर्डर्स का। एंड फ्रेंड्स अभी तो आप यहाँ का व्यू देखिए, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे आके जो भी रहेगा उसके बाल क्या उसकी बॉडी बॉडी अच्छी हो जाएगी, प्योर एयर, प्योर ऑक्सीजन। गाइस देखिए चिप्स है, चिप्स है। अब हम लोग बैंगलोर पहुंचने वाले हैं, देन इतना ज्यादा बारिश हुआ फ्रेंड्स, इतना ज्यादा, और उसके अलावा बहुत बारिश हुआ और बहुत ज्यादा जाम भी लगा हुआ था, है ना, ट्रैफिक था हम लोगों को 50 किलोमीटर जाने के लिए, बैंगलोर में बारिश हुआ आज और हम लोग भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक में फंस गए थे, क्योंकि इतना ज्यादा बारिश हुआ, पेड़ वेड़ गिर गया, तो आने में बहुत लेट हो गया, 11:30 बज गया। देन अभी हम लोग ने खाना वाना भी खा लिया, अभी मैं बैठी हूँ रिलैक्स होके, कपड़े वपड़े चेंज। सो गाइज मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं जो ऑयल लेकर आई थी वो कैसा है। सो गाइज ये देखिए, ये पैकेजिंग में था ऑयल ऐसे करके, देन ये ओरिजिनल ऑयल था गाइज, ये सीरियसली ओरिजिनल ऑयल है। देन आप देखिए इसके अंदर छोटा छोटा आपको मिलेगा। सो गाइज अभी मैं इस व्लॉग को यहाँ पर एंड करने लगी हूँ, बिकॉज व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में 5 डेज़ या 2 डेज़ ये हेयर ऑयल यूज़ करके इसका रिव्यू भी बताऊँगी और भी डिटेल बताऊँगी। देन मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ, और मैंने बीच में व्लॉग में भी कहीं ना कहीं नंबर डाला है, तो आप वहाँ पर कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं। देन आपको कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी डाल दूँगी, आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हैं या यूट्यूब पे ही मैसेज करके पूछ सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई channel।